स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी पे। आज हम देखने जा रहे हैं बहुत ही कमाल की फिल्म जिसका नाम है कमिटमेंट। ओके, तो फिल्म की शुरुआत में हम ली को देखते हैं जो कि ड्रिंक पी रहा है। यहीं पर एक ओल्ड लेडी भी है जिनसे वो बातें कर रहा होता है और एक पिक्चर दिखाता है और कहता है कि जो हुआ उसको भूल जाओ और खुशीश रहो, और यहाँ से वो जाने लगता है। तभी इस पर कुछ लोग अटैक कर देते हैं और ये उनसे फाइट करता है। तभी यहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं और इसके ऊपर स्नाइपर तान देते हैं और इसको कहते हैं सरेंडर कर दो अपने आप को। ली पॉकेट में हाथ डालता है, पुलिस वालों को लगता है गन निकाल रहा है, इसलिए वो इसको गोली मार देते हैं जिसकी वजह से ली मर जाता है। और यहाँ उसके पॉकेट से एक फ़ोटो निकल कर गिरती है जिसमें हम देखते हैं एक लड़का और एक लड़की इसके साथ दोनों खड़े हैं। और यहाँ से हम आ जाते हैं सीधे नॉर्थ कोरिया में। यहाँ पर हम ली के बेटे से मिलते हैं जिसका नाम यंग होता है। ये अभी जेल में बंद है। एक ऑफिसर आता है और इसको यहाँ से निकाल कर अपने साथ लेकर जाता है और कहता है कि मैं तुझे और तेरी बहन को छोड़ दूंगा जेल से अगर तू एजेंट बनकर साउथ कोरिया में जाएगा। और यहाँ से हम सीधे 2 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर साउथ कोरिया में एक सीरियल किलर सबको मार रहा है एक एक करके। पुलिस वाले भी परेशान हो गए हैं कि आखिर ये है कौन, बट उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। बट पुलिस वालों को शक पूरा है कि वो एक नॉर्थ कोरियन है। यहीं हम यंग को देखते हैं जो कि वही जेल वाला लड़का है जिसको अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था। अब इसको एक फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया है और इसका नाम अब यहाँ पर इन्होंने कांग रख दिया होता है। इसका यहाँ पर कांग का स्कूल में एडमिशन भी करवा दिया जाता है और ये क्लास में जाकर लास्ट बेंच पर बैठ जाता है जहाँ एक लड़की अकेली बैठी हुई थी। टीचर के जाने के बाद क्लास बुली जो होते हैं, ये तो मतलब बिल्कुल ही जरूरी है कि कोरियन स्कूल है तो बुली होंगे होंगे वहाँ पर, और उस अकेली बैठी हुई लड़की को बहुत ज़्यादा परेशान करने लग जाते हैं, उसको बहुत बुली करते हैं। और उसके बाद फिर कांग को भी बुली करने लग जाते हैं। और फिर जब कांग इनका जब जवाब देता है तो वो इसको उठाकर छत के ऊपर लेकर चले जाते हैं और यहाँ पर इसको मारते हैं खूब और इसका पर्स छीन लेते हैं। और इसके पर्स में से इनको एक फ़ोटो मिलती है और ये वही फ़ोटो है जिसमें ली खड़ा, यानी इसके फादर और इसकी बेटी, जो फोटो हमने ऑलरेडी शुरू में देखी थी। यहीं पर टीचर आ जाते हैं जिसकी वजह से बुलीज यहाँ से भाग जाते हैं। कांग जाते हुए देखता है उसी लड़की को। इस लड़की का नाम ली है और ये बेली क्लास के अंदर झांक रही होती है। कांग को देखकर ये डर जाती है और कहती है किसी को बताना मत कि मैं यहाँ क्या कर रही थी, और यहाँ से चुपचाप चली जाती है। उसी रात किलर एक आदमी को निपटा देता है और अगले दिन स्कूल में क्लास की सफाई होने लगती है। यहाँ पर सबको काम दिया जाता है। कांग एंड ली दोनों मिलकर क्लास को साफ करते हैं। कांग जब स्कूल से घर आता है तो इसको एक बॉक्स मिलता है, इसमें एक फ़ोन और कुछ डिटेल्स लिखी हुई है। इसमें बताया गया है कि तुम्हें उस सीरियल किलर को मारना है जो कि सबको मार रहा है, ढूंढो और उसको मार दो। कांग को ऑर्डर मिल ही चुका है तो वो अपने काम पर लग जाता है। अपने सामान में से गन और बुलेट्स निकालता है और एक जगह पर जाता है जिस पर इसको शक था और इसको मार के पूछता है। ये आदमी इसको एक आदमी की लोकेशन बताता है और फिर कांग इसको मार देता है और अगले दिन स्कूल में आता है। यहाँ ली को सब हैरास कर रहे होते हैं, इसकी ज़िंदगी इन्होंने पूरी तरह से बर्बाद करके रखती है क्लास में, मतलब बेचारी को दिन रात बुली करके रखा होता है। कांग यहाँ से फिर पियानो क्लास में चला जाता है जहाँ इसे कुछ याद आता है और हम यहाँ पर देखते हैं इसकी छोटी बहन को जो पहले पियानो बजाया करती थी। इसे सब याद आ रहा है कि ये अपनी बहन को कैसे येन कह के बुलाया करता था। और जो ली है अभी क्लास में जो बुली हो रही है उसका जो सरनेम है वो भी येन ही होता है, तो इसलिए कांग को इस लड़की से थोड़ी अटैचमेंट हो गई होती है। फिर हम ली को देखते हैं जो बेली प्रैक्टिस के लिए गई हुई है और यहाँ पर डांस कर रही होती है और सभी लड़कियाँ आ जाती हैं और इसका खूब मजाक बनाती है। जैसे लगता है कि ली स्कूल में बस अपनी ऐसी तैसी करवाने आती है रोज, मतलब इसको ना बर्बाद करके रख दिया इन लोगों ने। कांग उस आदमी से मिली डिटेल को लेकर एक और आदमी के पास पहुँच जाता है। ये आदमी उस किलर की गाड़ी का नंबर बता देता है इसको और फिर यहाँ पर दोनों की फाइट होने लग जाती है जिसकी वजह से कांग को इसको मारना पड़ता है। ये आदमी को मार कर यहाँ से बाहर निकलता है और किलर की कार का पीछा करने लग जाता है और किलर बहुत तेज चला रहा होता है गाड़ी, जाकर आगे गाड़ी ठोक देता है और कांग इसको मारने के लिए आ रहा होता है। बट यहाँ पर तभी सब लोग इनको देखने लग जाते हैं और स्कूल बस जा रही होती है, वहीं स्कूल स्टूडेंट अपने फ़ोन निकाल कर इनकी वीडियो बनाने लग जाते हैं जिसकी वजह से कांग कुछ कर नहीं पाता और यहाँ से चला जाता है। पुलिस को भी इस बारे में सब कुछ पता चल गया है और यहाँ कांग वापस भाग कर स्कूल में आ जाता है। यहाँ का नज़ारा बहुत ही अलग होता है। पुलिस ने ली को अकेले में पकड़ रखा है और उसके सारे पैसे छीन लिए, उसको मार रहे हैं और यहाँ पर गलत करने की फिराक में है इसके साथ। कांग वैसे ही गुस्से में होता है, वो अंदर आता है और इन पुलिस को बहुत मारता है, सबकी मार मार के हड्डियाँ तोड़ देता हाथ पैर की। और अब कुछ दिन बीत जाते हैं ऐसी करके। पुलिस ने उस दिन के बाद इनको कभी भी परेशान नहीं किया। अब यहाँ पर ली अपना हेयर स्टाइल भी चेंज करवा लेती है और कांग से कहती है कि क्या तुम मेरे बड़े भाई बन जाओगे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इसको एक जगह जॉब मिली है बट वहाँ पर कोई बड़ा चाहिए जो कि इसके लिए साइन कर सके, परमिशन दे सके। कांग मान जाता है इस बात के लिए और साइन कर देता है। दोनों पूरा दिन फिर साथ में बिताते हैं, दोनों बातें करते हैं। कांग बताता है कि मेरी एक बहन भी है। ली कहती है कि मेरा सपना है मैं पैसे कमा कर
यूरोप जाना चाहती हूँ क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे डांसिंग के ग्रुप है जहाँ मैं ज्वाइन करके और डांस सीखूंगी। यहाँ हम कांग की उस अडॉप्टेड फैमिली को देखते हैं जो कि दो नंबर का काम करती है और उस सीरियल किलर को पैसे मिले हैं इन दोनों को मारने के लिए। ये एक आदमी को लेकर इसके घर में घुस जाता है और यहाँ पर इसके माँ बाप को ये मार देता है और इसके तिजोरी में से बहुत सारे पैसे और कुछ ड्रग्स चोरी करता है शायद, और यहाँ से भाग जाता है वो आदमी। बट जो किलर होता है वो यहीं पर बैठकर कांग का वेट करने लग जाता है क्योंकि उसको पता है कि ये कांग का घर है। कांग घर आता है रात को तो अपनी फैमिली को मरा हुआ देख डर जाता है। किलर यहीं पे बैठा हुआ है, दोनों की अब फाइट होने लग जाती है। बहुत देर फाइट चलती है, दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे होते हैं। कांग किलर को चाकू मार देता है और गैस पाइपलाइन काट कर पूरे घर में आग लगा कर यहाँ से भाग जाता है। अगले दिन पुलिस आती है, छानबीन करती है, बट कुछ भी नहीं मिलता इनको। कांग यहाँ आ गया है अब उसी लेडी के पास जिसके पास हमने मूवी के शुरू में इसके फादर को देखा था। यहाँ पर ये ड्रिंक पिलाती है, इसको खाना खिलाती है और कहती है कि तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है। कांग वही फोटो दिखाता है इसको जो इसके फादर ने भी एक टाइम पर इस लेडी को दिखाई थी और कहता है कि 2 साल पहले मेरे फादर यहाँ मारे गए। और इस ओल्ड लेडी को ये ग्रैंड माँ कह के बुलाता है, मतलब ये इसकी दादी है। और इसके फादर अपनी माँ से मिलने आए थे मूवी के शुरू में। नॉर्थ कोरिया से कांग के लिए एक नया मिशन आता है क्योंकि इसने किलर को तो मार दिया है तो अब खाली थोड़ी बैठाएंगे। इस बार इसको किसी एक हीरे के व्यापारी को मारना होता है। कांग कहता है कि मेरी बहन कैसी है। ऑफिसर कहता है कि ये मिशन पूरा करके खुद आकर यहाँ नॉर्थ कोरिया में देख लेना तुम्हारी बहन कैसी है। कांग अब यहाँ तैयार होने लग जाता है उस आदमी को मारने के लिए अपने अगले मिशन के लिए। और इसको एक पोस्ट से फ़ोन भी आया हुआ है जिसमें इसकी बहन की एक वीडियो होती है। वो कह रही है कि मैंने सुना है कि तुम बहुत जल्दी आने वाले हो। कांग ये देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है और फिर गन उठाकर उस लोकेशन पर पहुंच जाता है। और सामने से कार आती है, इसमें एक बहुत ही अमीर आदमी बैठा हुआ है। ये अंदर घुसता है और उसमें बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास एक बॉक्स होता है। उस बॉक्स में डायमंड्स रखे होते हैं जो कि काफ़ी मिलियंस बिलियंस के होते हैं। और कांग यहाँ आता है और सबको ग्रेनेड और पिस्टल से उड़ा देता है। पूरा 1600 स्क्वाड हो जाता है यहाँ पर। और मिशन पूरा करने के बाद ये मार्केट जाकर अपनी ग्रैंडमा के लिए एक मस्त सा स्वेटर खरीदता है और कहता है कि आप मेरे साथ मेरे घर चल लो रहने के लिए। ग्रैंडमा मना कर देती है और कहती है कि जाओ तुम अपनी ज़िंदगी जियो, तुम अभी एक टीनेजर हो और ये सब कर रहे हो, तुम्हें अपनी लाइफ अच्छे से जीनी चाहिए। कांग यहाँ से ली को देखने जाता है जो अब पैसे कमा कर बैली सीखने लग गई है। और यहाँ पर इसको कोई परेशान नहीं करता क्योंकि वो एक अकेले रूम में बैली सीखा करती है। कांग बताता है कि मैं अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ। ली कहती है कि जा तो रहे हो बट मुझसे हमेशा टच में रहना। यहाँ से कांग बोट लेने चला जाता है क्योंकि ये बोट लेकर नॉर्थ कोरिया जाएगा। बोट तो मिल जाती है बट जब ये बोट पर जाता है तो बोट का जो ओनर होता है वो इसको चाकू मार देता है और कहता है कि किसी भी एजेंट को जिंदा वापस नॉर्थ कोरिया लौटना अलाउ नहीं है। मतलब अगर कोई नॉर्थ कोरियन वहाँ से स्पाई आया हुआ है साउथ कोरिया में तो यह मिशन करने के बाद ही तो पुलिस के हवाले हो जाता है वो, या तो उसको मार दिया जाता है। कांग इसको भी निपटा देता है बट यहाँ पुलिस ने अब छापा मारना शुरू कर दिया है। जितने भी स्पाई होते हैं नॉर्थ कोरिया के सबको पुलिस एक एक करके पकड़ रही होती है। कांग अपनी दादी के पास आता है तो यहाँ पर इसकी दादी भी अरेस्ट हो गई होती है। इसकी दादी फिर चाकू लेकर पुलिस वाले की तरफ भागने लग जाती है और फिर कांग को यहाँ से भागने को भी कहती है। पुलिस वाला इसकी दादी को गोली मार देता है जिसकी वजह से वो मर जाती है। और कांग को पुलिस ने देख लिया होता है तो ये भी यहाँ वहाँ भागने लग जाता है। फिर ये एक डिटेक्टिव को पकड़ लेता है। डिटेक्टिव कहता है कि सरेंडर कर दो क्योंकि तुम्हारे पास अब कोई भी रास्ता नहीं, क्योंकि हमें पता है कि तुम नॉर्थ कोरिया अब नहीं जा सकते हो। और कांग यहाँ से भाग जाता है, इसकी बात नहीं सुनता। वो यहाँ से भाग कर ली के पास जाता है। ली यहाँ पर इसकी हेल्प करती है, इसका इलाज करती है, खाना खिलाती है। और यहाँ टीवी न्यूज़ में दिखाया जा रहा है कि कांग एक नॉर्थ कोरियन स्पाई है, पर ली को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो इसको छुपा के रखती है। पुलिस को ली पर भी शक होता है, वो इससे पूछताछ करने भी आते हैं क्योंकि ये दोनों एक टाइम पर क्लास में साथ में पढ़ा करते थे। यहीं पर न्यूज़ में खबर भी आ जाती है कि अब किम जोंग वू को नॉर्थ कोरिया का लीडर बना दिया गया है। मतलब ये उस टाइम की स्टोरी चल रही है यहाँ पर, मैं आप लोगों को अगर बता दूँ तो। और यहाँ पर नॉर्थ कोरिया जो स्पाइस थे जितने भी थे यहाँ पर, उनका जो मिशन और सारे जो लीडर थे वो भी अब चेंज होने लग गए थे। यहाँ पर जो उनका मेन लीडर था नॉर्थ कोरियन स्पाई का, वो कांग से कहता है कि देखो जो तुमने डायमंड वहाँ पर चुराए थे वो मुझे दे दो, मैं तुम्हारी बहन को तुम्हारे हवाले कर दूँगा क्योंकि वो हमारे पास है। पर यहाँ पर तभी पुलिस आ जाती है, यहाँ पर फायरिंग होने लगती है और कांग को यहाँ भागना पड़ता है। शाम को कांग पुलिस को खुद कॉल करके बताता है कि मेरा एक मिशन है, मैं उसको कंप्लीट करने के बाद खुद सरेंडर हो जाऊंगा। यहाँ कांग फिर अपनी बहन से बातें करता है और हमें पता चलता है कि इसकी बहन जो है वो नॉर्थ कोरिया में नहीं बल्कि यहीं पर साउथ कोरिया में है और उसको उन स्पाइज ने पकड़ के रखा होता है। कांग पुलिस को कॉल करके एक लोकेशन बता देता है और वहाँ पर खुद भी पहुँच जाता है। यहाँ पर नॉर्थ कोरियन स्पाई भरे होते हैं, उनका अड्डा होता है। ये अपनी बहन को छुड़ाता है, उनसे मारता है, काफ़ी लड़ाई होती है यहाँ पर बहुत देर तक। पुलिस वाला भी आ जाता है बट एक गोली जो होती है वो कांग को भी लग चुकी होती है। ली एंड पुलिस वाला दोनों कांग को लेकर हॉस्पिटल जा रहे होते हैं बट कोई फायदा नहीं होता, वो रास्ते में ही मर जाता है। मूवी के एंड में हमें दिखाया जाता है ली को जो कि पुलिस स्टेशन गई हुई है
कांग की बहन को अपने साथ ले जाने के लिए, क्योंकि ये अब उसको पालेगी पोसेगी और अपने साथ रखेगी और फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और भी ऐसे ऐसे वीडियोस को देखने के लिए। मिलता हूँ तब तक के लिए, बाय।